नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एसटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के फाइन आर्ट विभाग द्वारा फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि ऋतु मित्तल, संगीता गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर संदीप मित्तल, डॉक्टर सचिन गोयल, डॉक्टर रिंकू एस गोयल, क्षमता सपना चारू ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। फैशन शो की थीम वेस्टर्न सोल गाउन कोट सेट ट्रेडिशनल हॉट कल्चर रही। फैशन शो में डिजाइनर सना, सोफिया, यशवी, दिव्या, फरीन, मनुश्री, आकांक्षा, आरजू और जिया ने विभिन्न मॉडलों के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक परिधान तैयार किए और मॉडल्स अनुष्का, नगमा, श्रेया, मनसबा, साक्षी, कोमल, आस्था, फरवा, ज्योति, कावेरी, सना आदि ने रैंप वॉक किया। निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर रिंकू एस गोयल, क्षमता सपना चारू रही। फैशन शो का संचालन दानिया अंसारी के निर्देशन में निखिल और अफीफा ने किया। फैशन शो में मॉडलिंग में प्रथम स्थान अनुष्का, द्वितीय स्थान दिया और तृतीय स्थान कनिष्का को और सांत्वना पुरस्कार रायप्रीत पर निकिता को दिया गया और डिजाइनर्स में प्रथम स्थान आकांक्षा, आरजू, जिया, सोल थीम को, द्वितीय स्थान दिव्या सलवानी कोरसेट थीम और तृतीय स्थान मनुश्री गाउन थीम को दिया गया। सांत्वना पुरस्कार यशवी, सना, सोफिया, फरीन को दिया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सचिन गोयल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। आज हमारे महाविद्यालय एसडी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में बीएफए डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं द्वारा जो फाइन आर्ट्स में फैशन में बताना तैयार हैं वो लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स उसकी प्रदर्शनी करी है उन्होंने। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी बच्चे बीएफए में एडमिशन लेते हैं उनके अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग भी एक मुख्य पार्ट है। उसमें प्रत्येक वर्ष में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में सभी बच्चे कुछ परिधानों का निर्माण करते हैं, कुछ डिज़ाइनर्स की भूमिका निभाते हैं जो उनके प्रोजेक्ट में काम आता है। तो आज वार्षिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने इनके पूरा प्रोजेक्ट जो उन्होंने वर्ष भर में अपना काम कराया है उनका प्रदर्शनी हमने लगाई है। आप लोगों ने देखी है कितने खूबसूरत परिधान बच्चों ने बनाए थे। साल भर की मेहनत है बच्चों की और हमारा समस्त स्टाफ या मैनेजमेंट बच्चों को शुभाशीष प्रदान करता है और कामना करता है कि भविष्य में भी बच्चे आगे इसी तरह से उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपना और अपने परिवार का, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।